अस्सलाम वालेकुम शर्मा साहब, कैसे हैं? जी शर्मा साहब, आज जैन मंदिर में आए हैं लाहौर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, पाकिस्तान साउथ एशिया में वो मुल्क है जहाँ मजहबी अकलियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़ और उनकी तरक्की के लिए काम हो रहा है। ये दुनिया की वाहिद इस्लामिक रिपब्लिक है जिसने कोशिश की है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अल्दो के जैन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये जो हेरिटेज है, कभी ये मंदिर है, इसको दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है, रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, और ये साबित करता है कि पाकिस्तान की हकूमत और खुसूसी तौर पर अविकृत ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उसकी कमिटमेंट है कि जो हेरिटेज सिखों का, हिंदुओं का, जैन का, बुद्धिस्ट का पाकिस्तान में मौजूद है, उस हेरिटेज को हम प्रिजर्व करेंगे और उन तमाम लोगों को हम दावत देंगे कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ आके हमारी मेहमानदारी, हमारे कल्चर, हमारे जो कौमी पॉलिसी है उसको एंजॉय करें और दुनिया में ये बात कहें कि पाकिस्तान में जो मजहबी अकलियतें हैं वो ज़्यादा महफूज हैं। ये लाहौर के शहर के दौरान दरमियान में भी जो मंदिर है, जो बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट के बाद मुकम्मल तौर पर डेमोलिश किया गया था, जो मज़े की बात है वो ये है कि इस जो रिहैबिलिटेशन है उसमें वो पुराना स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, मटेरियल उसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और हमारी कोशिश है, आज ही हमारी मीटिंग थी उसमें तय हुआ है कि जो जैन हेरिटेज फाउंडेशन है उनके पास एक्सपर्टीज है, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस है इसलिए उसकी सेंसिटिविटी का भी हमें अंदाज़ा है। तो ये हम सब के लिए, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के मेरे मेम्बरान निगाह है, रेशम साहब हैं, ये हमारे दोस्त मियाँ साहब जो हैं वो इक्विटी को यहाँ देखते हैं, या बुरहान साहब हैं, ये तो हमारे दोस्त जो यहाँ के केयर टेकर हैं, तो ये एक इज्तमाही काम है, ये दिल से काम किया जाता है। यहाँ कोई तनख्वाह के लिए काम नहीं करता उस तरह से, और पाकिस्तान सबका है, हम बराबर के शहरी हैं, हमारा आइन, हमारी रियासत, हमारा फ्लैग इस बात को गारंटी करता है कि इस मुल्क में जो भी रहता है वो बराबर का शहरी है, उसका मज़हब कुछ भी हो, उसकी ज़ुबान कुछ भी हो, सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। और जिस सोसाइटी में सिर्फ मुसलमान की है, जिनके लिए हुक्म है कुरान में कि रब अल आलमीन है, तो ये पूरे आलम का रब है और हमारा तहफ़ हमारे मुस्लिम भाइयों पर जिम्मेदारी है।